दोस्तों आज हम जानेंगे कि एलोवेरा का हम अपने पौधे में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ यदि आप जानते होंगे, इस एलोवेरा से हम अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि आपका पत्तियां पीली पड़ रही है, यदि आपका पत्तियां झड़ रही है, उसका कलियां झड़ रही है, या आपकी उस पौधे में गुड़हल के पौधे में मिली बग का अटैक है, किसी भी कीड़े का अटैक है, तो इस एलोवेरा जेल से आप उसे भगा सकते हैं। और एक नई शक्तिशाली ये खाद, यानी कि इसे आप कह सकते हैं जादुई खाद, पर बनाने का इसका प्रक्रिया क्या है वो सारा आपको बताएंगे। यदि ये चीज़ आपके घर में है तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल आपके घर में है और ये पौधा अपने घर पे लगाए हुए हैं, तो आपको कोई भी फंगीसाइड का, कोई भी इंसेक्टिसाइड का, कोई भी कीड़े का दवाई नहीं लाना है, इसी से आपको बनाना है। बनाने का तरीका आप जान जाएं। सबसे पहले जो फर्स्ट में आप पौधे से काटते हैं तो इस तरह से हमारा पीला, इस तरह से पीला पराग निकलता है, जिससे हमारा मिली बग, अन्य कीड़े, कितने तरह के कीड़े होते हैं हमारे पौधे में, पत्ते खाने वाले होते हैं, काले काले चकत्ते कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो आप जेल देख रहे हैं, इससे आपको क्या करना है, जिस समय आप कटिंग करते हैं और इस तरह का छोटा छोटा पीसेस करते हैं, तो इसे क्या करें, पानी में धोकर उस पानी को आप स्टोर करके रख लें। आपका जादुई ये दिखेगा, दिखाते हैं आपको, इसमें कोई भी रंग नहीं मिला हुआ है, केवल इसका जो आपका जब फर्स्ट में काटते हैं तो इससे क्या होता है, इसका जितना भी गुण होता है, इसमें जितना भी कड़वाहट होता है, इससे हमारा अच्छा अच्छा कीड़ा मर जाता है, भाग जाता है। तो केवल हम इसे धोकर रख लिए। और ये भी हमें नर्सरी में ही बताया गया था कि केवल इसका जो पीला पीला पराग होता है, इससे अच्छा से अच्छा कीड़ा भाग जाता है या मर जाता है। तो इसे हम धोकर रख लिए हैं और ये धोया हुआ हमारा कम से कम दोस्तों इसे 4 दिन पहले इसे धो के, केवल धोकर इसका जो कटिंग किए थे, छोटा छोटा पीसेस किए थे, जैसे कि देख सकते हैं इसमें हम छोटा छोटा पीस किए थे, और इसका आप जेल देख सकते हैं कितना बेहतरीन है जेल इसका, तो इसका जेल का भी उपयोग करने बताएंगे। और जो केवल धोकर रखे हैं, ये जो लाल हो गया है, ये हमारे अच्छे अच्छे कीड़ों को, मिली बग को या अन्य कीड़े को भगा देता है, तुरंत ही भगा देता है केवल छिड़काव करने से। तो हमें इसका छिड़काव करना है और इस जो छोटा छोटा पीस करके हम पानी में डाल कर रखे हैं, और ये 1 लीटर, ये 1 केजी है एलोवेरा जेल, हमें लेना है 1 किलो। जैसे कि हमने 1 किलो लिए हैं और इसे क्या किए हैं, छोटा छोटा पीस कर लिए हैं, छोटा छोटा पीस करके और इसे 4 दिन पानी में डाल कर रखे। इस चीज़ में रखे थे, जैसे कि आपको दिखा सकते हैं कि इस चीज़ में हम रखे थे, और इसका कलर देखें तो इसका कलर आपको हरा दिखेगा, बिल्कुल हरा दिखेगा, इसलिए हरा दिखेगा, इससे पहले हम इसको धोकर उस पानी को रख लिए थे, जो हमें भी अद्भुत लगा, जो नर्सरी वाले बोले थे वो हम माने नहीं, पर हम जब तक घर में करके नहीं देखते हैं तो यकीन नहीं होता है। जब हम धोकर देखें तो सही में पानी हमारा एकदम कलर हो गया और ये पानी बिल्कुल हरा के हरा रहा। और ये पानी में हमारे क्या करेगा, जो जड़ों का रूटिंग रुक जाता है, जो जड़ों का ग्रोथ रुक जाता है, ये पानी हमारा उसमें काम करेगा। यदि हमारा फूल नहीं आ रहा है, कलियां गिर जा रहा है या पत्तियां पीली हो रही है, तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा उस चीज़ में काम करेगा। हमें यूज कैसे करना है, तो इसे हम छोटा छोटा पीस कर लिए। अब हमें क्या करना है, हाथों से मसलना है। और इससे पहले जब आप ये करें तो आपको साइड वाला निकाल देना है, जैसे कि ये कांटे वाले कांटेधार है, जैसे आरी का जैसा है, तो इसे इस साइड से और ये साइड से कट करके निकाल देना है, जैसे कि हम इसमें निकाल दिए हैं। अब हाथों से भी मसलेंगे, इस तरह से हाथ से आप दबाते हैं तो आपका हाथ में चुभेगा नहीं, और इस तरह से स्क्रब करके आपको क्या करना है, ये कितना पानी में आपको डालना है, तो कम से कम आप 20 लीटर पानी में डाल सकते हैं। 1 केजी जो एलोवेरा जेल होता है, 20 लीटर पानी में आप डालकर हर एक पौधा में दें, और ये दे देंगे ना, तो आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ग्रोथ है एकदम बूम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, रॉकेट के जैसा
कोई भी पौधा बढ़ेगा, जैसे कि ये फल वाला पौधा हो, फूल वाला पौधा हो, सब्जियां वाला पौधा हो, या आप धनिया रोप रहे हैं, ये किसी भी चीज़ में डालें बहुत ही अच्छा आपको इसमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से हाथों से हम मसल लिए, मसलने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जेल निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ है हमारा 10 लीटर पानी और ये लिक्विड जो जेल है हम आधा डालेंगे और फिर से हम इसमें पानी भरेंगे और फिर से हम अपने पौधे में छिड़काव करेंगे। तो हमें इस तरह से केवल जेल लेना है, आधा निकालेंगे और आधा फिर हम बाल्टी भर लेंगे, फिर से आधा हम इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना अच्छा चेंज होने लगा है। बस ये आधा ले लिए, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ दवा है। और इसे आप कोई भी कटिंग रोपे होंगे तो कटिंग में दे सकते हैं, यदि किसी तरह का बीज रोपे हैं तो बीज में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका हम रिजल्ट देखे हैं, आप भी इसका करके देखें, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। तो आइए इसे हर पौधे में दिखाते हैं, और पौधा का हम अपना सारा इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हमारा पौधा बहुत ही अच्छा स्वस्थ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा नींबू का पौधा, आप देख सकते हैं नींबू कितना अच्छा हमारा फर रहा है। और इसमें हमें इस तरह से 1 लीटर हम इसमें डाले हैं, क्योंकि हमारा बड़ा है तो इस हिसाब से आप डालें। और ये है हमारा आंवला का पौधा, तो आप ये कोई भी धार्मिक पौधा में भी डाल सकते हैं, तुलसी में भी डाल सकते हैं। यदि बेल का पौधा लगाए हैं तो बेल का पौधा में डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ गुड़हल का पौधा लगाए हुए हैं तो गुड़हल में डाल रहे हैं। और आपको दिखाते हैं फूलों का भरमार पौधा, इसमें देखिए कितना अच्छा हमारा फूल खिल रहा है। तो इसमें हम डालेंगे 1 लीटर इस तरह से। इसका फूल देखें कितना अच्छा से खिला हुआ है, कहीं से अभी आपको नहीं लगेगा। और ये एक ऐसा पौधा है कि इसे कुछ नहीं भी देंगे तब भी आपको बहुत ही अच्छा सर्वाइव करेगा। और ये जो जानकारी दी है ना दोस्तों, ये जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।